आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बहुप्रतीक्षित चिड़ियाघर का 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। डीएम ने कहा, होली पर्व पर सीएम योगी जनता को देंगे बड़ी सौगात, समर्पित होगा चिड़ियाघर। गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार सदर ने दो अभियुक्तों की 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया कुर्क, संबंधित थाना अध्यक्ष को किया सुपुर्द। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत चयनित रेडीमेड गारमेंट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस कर्मियों को गूगल सीट की जानकारी के लिए आयोजित किया गया एक दिवसीय टेक्नोलॉजी प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम। थानों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को विवेचना सहित अन्य डाटा अपलोड करने की दी गई जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए जारी आरक्षण सूची पर 22 और 23 मार्च को लगभग 1250 से अधिक की आपत्तियां हुई दर्ज। डीपीआरओ ने कहा, प्रशासन द्वारा गठित 10 सदस्यीय टीम के सदस्य आपत्तिकर्ताओं के समक्ष करेंगे आपत्तियों का निस्तारण, 27 मार्च को जारी होगी अंतिम सूची। होली त्योहार के मद्देनजर दूसरे दिन भी मिलावटखोरों पर चला प्रशासन का चाबुक। सिटी मजिस्ट्रेट ने मिठाई के प्रतिष्ठानों पर मारा छापा, जांच के लिए नमूने, कहा आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के पूर्व संध्या पर मीडिया से रूबरू होते हुए MDHS डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, अगर खांसी बुखार की है शिकायत तो अवश्य कराएं टीबी की जाँच, सरकारी अस्पतालों में होगा निःशुल्क इलाज। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,555। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 56 हो गए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पुलिस कर्मियों के बढ़े पेट और वजन को देखते हुए ADG जोन के निर्देश पर मंगलवार की सुबह पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों एवं महिला रिक्रूट को योग प्रशिक्षक द्वारा कराया गया योगा, उत्तम स्वास्थ्य की दी गई जानकारी। अमर शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर नगर विधायक सहित अन्य लोगों ने किया उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि, कहा शहीद भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलकर देश बढ़ेगा आगे। पूर्व पार्षदों को नगर निगम में बैठने के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद एकता मंच ने महापौर को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग। राधा दरबार के तत्वाधान में आयोजित हुआ फागुन उत्सव समारोह, फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को दी गई बधाई। और काशी और हरिद्वार के गंगा आरती के तर्ज पर राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आयोजित हुई गंगा राप्ती महाआरती, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।